बता रहे हैं आपके ट्वेल्थ में यही क्वेश्चन, अगर पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन पूछा यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए 5 मिनट आप लोग इत्मीनान से एकदम शांति पूर्वक शुरू से अंत तक, ऑनलाइन वाले हैं तो ऑनलाइन देख लीजिए, ऑफलाइन वाले तो सामने में देख रहे हैं, कौन कौन एलिमेंट आता है। सबसे पहले आ जाओ आप हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन से पहले अभी पी ब्लॉक में पढ़ा रहे थे, पी ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक में सबसे मजेदार क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन होता है कार्बन के बारे में। कार्बन के अपरूप होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो फुलेरिन को अभी छाड़ दो, बचा क्या? हीरा और ग्रेफाइट। पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट होता है, आप क्या बोलेंगे? कार्बन के अपरूप। उसी तरह ये फॉस्फोरस के अपरूप भी होता है, उजला फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। कौन कौन? उजला, काला, लाल। उजला, काला, लाल बहुत अपरूप है। कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कोई पूछेगा कि बताओ श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो कार्बन। क्यों भैया? क्योंकि एक कार्बन दूसरा का तीसरा का इस तरह से बनते जाता है और बहुत बड़े बड़े यौगिक का निर्माण कर लेता है। इसीलिए पूरा आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो श्रृंखलन गुण होता है, यानी सीरीज बनाने वाला, श्रृंखला बनाने वाला गुण किसके पास है? तो कार्बन किसके पास है? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कार्बन धातु है क्यों अधातु है? हम अभी क्या बोले थे याद होगा ना बाबा? कि हम बोले थे ये जो देख रहे हैं मेरा धीरे धीरे कलम चल रहा है, ये हमारा उपधातु। क्या है ये? इनमें आएंगे तो धातु, इनमें आएंगे तो अधातु। वैसे भी अधातु को पहचान करने का ट्रिक जान लो, जिसके नाम के अंत में स्व लगा रहे, र लगा रहे, न लगा रहे। स्व, र, न, बोलो। स्व, र, न। दीदी लोग आप लोग नहीं बोलते, काय बोलते? स्व, र, न। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार, तो आपको सर स्ट्रक्चर बताए होंगे या ट्रांसलेशन के मदद से बताएंगे, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा दे ना, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव पता है ना। उसी तरह हम क्या बोले? जिसके नाम के अंत में स्व लगा रहे, र लगा रहे और न लगा रहे। स्व, र, न। जैसे बोले कार्बन, कार्बन लास्ट लेटर देखो नो, समझ रहे? उसके बाद जानो ये जो बोरन है, अरे भैया ये जो बोरन है इसका विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है। किससे होता है? सिलिकॉन से, यानी डायगोनल रिलेशनशिप किससे होता है? सिलिकॉन से होता है। उसके बाद ये जो देख लो बीआर, कहना क्या बीआर? ब्रोमीन है, या ब्रोमीन आपका अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, कमरे के ताप पर कौन अवस्था में? उसके बाद ये जो वर्ग 18 को देखो, ये अक्रिय गैस है। कौन गैस है? कौन गैस? वर्ग 18 को किस नाम से जाना जाता है? अरे जो वर्ग 17 है ये हेलोजन है। कौन है? इसको याद करने का ट्रिक है, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई, समझ रहे हो? ये जो फ्लोरीन है ना, इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। और इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला गुण सबसे ज्यादा किसको? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाला। और हम बताए थे पूरे आवर्त सारणी में ये रानी का काम करती है, ऐसा रानी है, बताए थे मेन क्लास में, ये रानी ऐसा ना है, ये कोनो राजा के साथ फिरा, समझ रहा है? मतलब केकरो साथ रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा लगा है, थोड़ा सा लोब दिया क्लोरीन, हाँ इलेक्ट्रॉन है, हाँ चल चल गया। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, अब फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक। क्लियर बोलो ना। अब आइए, ये जो सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, ये अर्ध चालक है। क्या है? अर्ध चालक उसको कहते हैं जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, धातु का भी, नहीं नहीं अर्ध चालक दूसरा हो, हाँ जिसे आंशिक रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करे, जिसे, देखो ये हमारा कोई पदार्थ है, इसे करंट पास कर गया तो कहिएगा ये तो सुचालक है, कहेगा ना? इसे करंट पास नहीं किया सुचालक है। क्या है भैया? जिसे नहीं करेगा आंशिक रूप से हो गया अर्ध चालक। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उसके बाद यही नहीं रुके,
समझ रहे हैं, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग मेरा दिमाग से में है। अब देखिए ये एल्युमिनियम के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, किसके बारे में? एल्युमिनियम के बारे में ये क्वेश्चन आया है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है ना, एल्युमिनियम धातु है ना, और ये जो भूपर्पटी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना, ये क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये चांदी देख रहे, चांदी ये भी क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक धातु है, क्वेश्चन है, तो चांदी, और धातु में होता है ग्रेफाइट, और धातु में क्या होता है ग्रेफाइट। उसके बाद सर जी और एक क्वेश्चन आया था, कौन क्वेश्चन था हाँ, हाइड्रोजन बंधन, इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है, आप कहिएगा फोन लगाओ, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए एक हाथ में चाहिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लगा रहा फोन, अगर फोन लग गया हेलो कौन, अरे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एफ ओ एन फोन, अगर फोन लग गया तो समझ लो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बंधन बनेगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। जैसे उदाहरण बताओ HF क्या हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, अरे दीदी बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्लोरीन है देख रहा है, फोन लगला है, अरे हाइड्रोजन छे, अभी हम की कह लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी छे, अगर अलावे फोन होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन छे ना हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते है, H2O में बनता है, हाँ बनता है, हाइड्रोजन छे अगर साथ साथ ऑक्सीजन, NH3 में बनेगा नहीं बनेगा, अरे हाइड्रोजन फोन लग रहा है नहीं सुने है सोनवा रे तेरा फोन हो बताओ नहीं, यदि हाइड्रोजन है और उसके साथ नाइट्रोजन है तो फोन लगेगा ना, फोन लगा तो खेला, आप बताओ HCl HCl इगर फोन ऑफ बता रहा ना, हाइड्रोजन तो है लेकिन फोन ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हम दो चार क्वेश्चन हम लिखाएं जो एग्जाम में पूछा है, बनाए लिखिए भले।